आज हम बनाने वाले हैं बाजार स्टाइल पानी पूरी, जिसके लिए हमने लिया है 1 कप सूजी, जो कि ये मोटी सूजी है। 1 बड़ा चम्मच इसमें मैदा डालेंगे। इसे गूंथने के लिए हमने यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर हमें परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए परफेक्ट गोलगप्पे बनाने के लिए। हमें सिर्फ 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है, नमक, तेल, सोडा या अन्य किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट आटा लगाना है। मैंने यहाँ पर आटा गूंथ लिया है। इसको हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। यह आटा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें से हम 1 लोई निकालेंगे। 1 बड़ी लोई हमने ले लिया है। अब इसे हम रोटी के ही आकार में बेलेंगे। इसको मोटा नहीं बेलना है, पतला ही बेलना है। अब इसे आप कटोरी या ढक्कन के शेप में ही काट सकते हैं। यहाँ हमने एक छोटी सी गिलास ले ली है। यहाँ हमने 5 पूरियाँ बनाई हैं। आप इसको जितना बड़ा साइज लेंगी उतनी ही पूरियाँ बना सकती हैं। इसे हम एक एक करके प्लास्टिक के थैले में फैला के रखेंगे। प्लास्टिक के थैले में रखने से ये नरम रहते हैं, सूखते नहीं हैं। इसमें एक एक करके हमने सारी पूरियाँ फैला दी हैं। अब हम आपको एक एक करके पूरी बना के दिखाएंगे। हमने उसी आकार में पूरी बेली है, एकदम पतली से। एक एक करके हमने सभी पूरियाँ बेली हैं। इसे हमें ढककर ही रखना है। करीबन हमने 30 से 35 पूरियाँ बनाई हैं। अब हम एक एक करके इसे तलेंगे। नीचे की तरफ से ही हमें तेल में डालना है। तेल एकदम गर्म है, हाई फ्लेम पे ही हमें इसे तलना है। इसमें हम एक एक पूरियाँ करके सभी डाल देंगे। इसमें हम कलछुल की सहायता से ही इसमें तेल ऊपर डालेंगे। कितने अच्छे से पूरियाँ फूल गई हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारी पूरियाँ छान लेंगे। हमारी सारी पूरियाँ तैयार हो गई है। अब हम पानी बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है इमली। इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। ठंडा होने पे इसे हम मैश करेंगे। इसे हम मैश कर लेते हैं। अब इसे हम छान लेंगे। अब इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारी इमली की पानी तैयार है। अब हम दूसरी पानी बनाएंगे, जिसके लिए हमने हरा धनिया लिया है, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन पीस लिए हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इन सभी को हम इकट्ठा मिला लेते हैं। हमारा दूसरा भी पानी तैयार हो गया है। ये लीजिए, हमारी पानी पूरी बनके तैयार हैं।